मुझे किताब पढ़कर के गरीबी सीखनी नहीं पड़ रही है, मैं उस जिंदगी को जी कर गया। पीएम मोदी की बहुत लंबी चौड़ी विरासत नहीं है, उनके 4 सालों के वर्तमान को 60 सालों के इतिहास के साथ आंक लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि गरीबी जीने वाले प्रधान सेवक और गरीबी को सीखने वाले प्रधानमंत्री का फर्क क्या है। पीएम मोदी की राष्ट्र नीति का, उनकी राजनीति का, उनकी समाज नीति का एक ही फलसफा रहा है, समाज के निचले वर्ग से जुड़ी उनकी गहरी सोच का फलसफा। क्योंकि हमें देश को गरीबी से मुक्ति दिलानी है, काम कितना ही कठिन क्यों ना हो, हमारे अब पूरा जोर पूरी ताकत गरीब के कल्याण के लिए लगी है। अम्मा प्रणाम। बेटा गांव में अब सड़कें और बिजली दोनों आ गए हैं, तू कब आ रहा है? अम्मा सुनो तो, हम आ रहे हैं अम्मा। ये गरीबी को जीने का ही फर्क है कि आज गांव गांव तक सड़क पहुंच रही है, महिलाओं को धुएं की घुटन से आजादी मिल रही है, उनके हाथों के छाले मिट रहे हैं, लकड़ियों की तलाश की जद्दोजहद खत्म हो रही है, पहली बार देश के हर गांव तक बिजली पहुंचाने का सपना पूरा हुआ है, बिजली पहुंची है तो बच्चे पढ़ रहे हैं, महिलाओं को काम करने के लिए रोशनी नसीब हो रही है, परिवार टीवी देखकर अपना मनोरंजन करता है, देश दुनिया की बातें जान रहा है, उसका वक्त भी बच रहा है और बचे वक्त का सही इस्तेमाल भी हो रहा है। कारण मिलने के बाद हमारा गांव में बहुत खुशी का माहौल हुआ है। पहले उठाया बीड़ा गांव में बिजली पहुंचाऊंगा, अब बीड़ा उठाया है घर में बिजली पहुंचाऊंगा। आज LED बल्ब के इस्तेमाल से हमारा आम नागरिक देश के 15,000 करोड़ रुपए बचा लेता है। आज युवा रोजगार ढूंढ नहीं रहा है, रोजगार दे रहा है। मुद्रा लोन, स्किल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया ने उसके सपनों को नई उड़ान दी है, क्योंकि गरीबी जीने वाली सरकार गरीबी के हाथ मजबूत कर रही है, उनको आश्रित बनाए रखने की चाल नहीं चल रही है। ऐसी छोटी छोटी चीजें उन्होंने शुरू की हैं और आज धीरे धीरे वो कोई 5 लोगों को रोजगार दे रहा है, कोई 3 लोगों को रोजगार दे रहा है। अगर गरीबी हटानी है तो हम गरीबों को शक्तिशाली बना करके ही हटा सकते हैं। 60 सालों के इतिहास और 4 साल के वर्तमान का फर्क ये है कि आज गरीब का एम्पावरमेंट हो रहा है, स्कूलों और उच्च शिक्षा में अभूतपूर्व सुधार हो रहे हैं, गरीबों के स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए आज मोदी केयर है, उन्हें सस्ते दाम पर हार्ट स्टेंट मिल जाते हैं, सस्ती दवा के लिए 3,500 से ज्यादा जन औषधि केंद्र खुल चुके हैं जो रोजगार का भी साधन है। बाजार से 1,000 रुपए की दवाई लेते, अगर हमारे को 300 में दवाइयाँ मिल जाती तो उसे ज्यादा तो क्या हो सकता है। 3 चीजें, बच्चों को पढ़ाई, युवा को कमाई, बुजुर्गों को दवाई। गरीबी को सीखने और गरीबी को जीने का फर्क ये भी है कि आज हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में उड़ने के सपने देखता है, 1,000 रुपए से भी कम में फ्लाइट का किराया होने वाला है, आज आसानी से पासपोर्ट बन जाते हैं, फालतू की कागजी कार्रवाई से लोगों को राहत मिली है। पीएम आवास के तहत गरीब का घर का सपना साकार हो रहा है, दिव्यांगों को सम्मान व समान अवसर मिल रहे हैं, सुकन्या समृद्धि योजना से 1.25 करोड़ बच्चियों का भविष्य सुरक्षित हुआ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से महिला सशक्त हो रही है, 3 महीने की जगह आज 6 महीने की मैटरनिटी लीव मिलती है तो शिशुओं की बेहतर देखभाल हो पाती है, आज गांव आदर्श बन रहे हैं, वहां इंटरनेट पहुंच चुका है,
फ्री वाईफाई मिल रहा है। और जनधन योजना ने तो गरीब का अर्थशास्त्र ही बदल दिया है। आज गरीब डेबिट कार्ड से शॉपिंग कर सकता है। जनधन खाते से हमारा बीमा खुल गया, मेरा परिवार भी सुरक्षित हो गया, मैं भी सुरक्षित हो गया, गैस का सब्सिडी मेरे खाते में आने लग गई। मैं तो यही कहूंगा, जनधन है सुरक्षा है। गरीबी को सीखने और गरीबी को जीने का फर्क ये भी है कि देश के प्रधान सेवक को पता है कि सफाई की अहमियत क्या है, इसीलिए वो देश में सफाई का बीड़ा उठाता है, गांव-गांव को खुले में शौच से मुक्त कराने की कसम खाता है। एक महिला के इस दर्द को गरीबी में जीने वाला ही समझ सकता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि गरीब मां शौचालय जाने के लिए सूर्योदय से पहले जंगल जाने के लिए सोचती हैं और दिन में कभी जाना पड़े शारीरिक पीड़ा सहती हैं, लेकिन सूरज ढलने तक का इंतजार करती हैं, वो शौचालय के लिए नहीं जाती हैं। उस माँ को कितनी पीड़ा होती होगी, कितना दर्द होगा होगा, उसके शरीर पर कैसा जुल्म होता होगा। क्या हम टॉयलेट नहीं बना सकते? ये सवाल मुझे सोने नहीं देते। फर्क तो ये भी है जो आज मेरे देश का किसान महसूस कर रहा है। आज उसकी फिक्र करने वाला कोई है? किसानों के लिए 12 करोड़ से ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड दिए जा चुके हैं। आज वो खेती को अपना वक्त देता है। यूरिया पाने के लिए कई कई दिनों तक लाइनों में खड़े होकर इंतजार नहीं करता। पीएम सिंचाई योजना से फसलों की प्यास बुझ रही है। कम पैसों में फसलों का बीमा होता है। ई-नैम के जरिए किसान की फसल सही दाम पर बिक रही है। गरीबी को जीने वाली सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य को 1.5 गुना कर दिया है। आज किसान भी दोगुनी आय का सपना साकार कर रहा है। कम दाम मिलने पर जो हमारे पारिवारिक जो खर्चे हैं उसमें कटौतियां होती थी ना, हम कोई यंत्र ले पाते थे। आज जब अच्छी फसल हमारे अच्छे दाम बिक रहे हैं तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि 25-30% का हमारा इजाफा हुआ है। तो हम बच्चों की पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो आने वाला समय जो ना बच्चों का अच्छा होगा। हमने ठान लिया है कि हम 2022 जब भारत की आज़ादी के 75 साल होंगे तब तक हम देश के किसान की इनकम डबल करना चाहते हैं। 60 सालों के इतिहास में गरीबी हटाओ के नारे तो खूब लगाए गए, मगर आज ये नारे सुनाई नहीं देते हैं, क्योंकि जमीनी हकीकत पर आज काम करने वाली सरकार है। मैं गरीबों का एम्पावरमेंट करके गरीबी से लड़ाई लड़ने के लिए मेरे साथियों की एक नई फौज तैयार करना चाहता हूं, जो फौज गरीबों से निकली होगी और गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी, और तब जाकर के गरीबी मिटेगी। गरीबी हटाओ के नारे से नहीं होता है।